हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। एंड येस, जस्ट अभी मैंने जेठानी जी का वीडियो देखा और वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली और बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले दो दिन से उनके काफ़ी पॉजिटिव वीडियोस आ रहे हैं, अदर देन कॉन्ट्रोवर्शियल। तो अच्छा लगता है जब भी अच्छे वीडियोस आते हैं तो रिएक्शन देने में भी मज़ा आता है, बोलने में भी मज़ा आता है। अच्छा, मुझे कल एक कॉमेंट आया था कि मैम अगर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगी तो फिर आप लोग वीडियोज़ कैसे बनाओगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि देखो, कॉन्ट्रोवर्सी हेल्दी होती है तो हमें भी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब कॉन्ट्रोवर्सी अनहेल्दी हो जाती है तो वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैम हेल्दी कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है क्या कोई? तो मैंने उन्हें समझाया कि हाँ, हेल्दी कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है, मतलब जिस कॉन्ट्रोवर्सी में गाली गलोच ना हो, बद्दुआएं दुआएं ना हो, मतलब एक छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सी जिसमें किसी का भी कोई भी मेंटल पीस या मेंटल स्ट्रेस ना हो। लेकिन ये जो वाली कॉन्ट्रोवर्सी थी पिछले एक हफ्ते में, इसमें सबके मेंटल पीस डिस्टर्ब हुए हैं, चाहे वो व्लॉगर्स हों, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो इर्द गिर्द का कोई भी इंसान हो, जो जो इस कॉन्ट्रोवर्सी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट था ना, उन सब का मेंटल पीस इस समय पे डिस्टर्ब हुआ था। तो यस, उनका मानना भी सही है कि हमारा रिएक्शन का काम होता है ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह पे अपने रिएक्शन देना। बट यस, मैं भी रिएक्शन चैनल होने के नाते भी यही उम्मीद करती हूँ कि भाई कॉन्ट्रोवर्सी का भी एक लेवल हो, कि जिस लेवल में हमें भी बोलने में मज़ा आए और सामने वाले को दिखाने में भी मज़ा आए, किसी का भी एज सच तरीके से डिफेमेशन, अपमान, बद्दुआएं दुआएं ये सब देने की नौबत ना आए, मतलब एक अच्छी खासी प्यारी सी कॉन्ट्रोवर्सी। तो चलिए, आज की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आज की वीडियो में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी जिस वक्त वो तीज का शॉपिंग करने के लिए गए थे। उस दिन, मतलब कि कल का ही दिन है, कल के दिन हम लोग बहुत टाइम तक वेट करते रहे व्लॉग का। जेठानी जी का वीडियो भी कल बहुत लेट में आया था और निकू का वीडियो तो आया ही नहीं है। तो पहले हम जेठानी जी की वीडियो की बात करेंगे कि चलिए, उनका फिर भी फाइनली एक शाम को वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने अपना शॉपिंग का व्लॉग दिखाया, लेकिन वीडियो लेट आने का रीज़न किसी को समझ में नहीं आया। जब आज उन्होंने ये वीडियो डाली तो पता चला कि जिन चीज़ों में वो वहाँ पर फंस गए थे, लज गए थे, शायद उस रीज़न की वजह से भी उनका जो वीडियो था वो टाइम पे नहीं आ पाया, क्योंकि टाइम पे एडिट नहीं हो पाया होगा। तो ये लोग जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गए थे वहाँ पे फ़ोन का एक बहुत बड़ा कांड हो गया कि जिस पर्स के अंदर इनका जो फ़ोन था वो पर्स किसी शॉप पे छूट गया, और जब इनको आधे रास्ते पे वो चीज़ याद आई तो वापस से शॉप पे लेने के लिए गए तो उसमें पर्स के अंदर फ़ोन नहीं मिला। और जब फ़ोन नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि जब शॉप पे कोई चीज़ छूटी है तो शॉप को ही बोला जाता है, शक के आने में भी वही होता है और जिम्मेदारी भी वही होती है, क्योंकि वहां से पर्स के टांगे तो लगी नहीं थी कि वो चल के चला जाए। अब क्योंकि जेठानी जी इस चीज को लेके बिल्कुल श्योर थी कि उनका जो पर्स है उसी के अंदर फोन था, तो उन्होंने बहुत तरीके से पूछने की कोशिश करी लेकिन उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे करके सीसीटीवी फुटेज अरेंज भी करी और जो भी फुटेज सामने आई उसके हिसाब से जो भी लड़का शक के घेरे में आया, उस लड़के को उन्होंने अपने एंड पे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उन्होंने पर्स के अंदर से फ़ोन निकाला है, जबकि पर्स खोल के उस लड़के ने देखा भी था, वो वीडियो में नज़र भी आ रहा था, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ का वीडियो नहीं था तो वो फ़ोन निकालते हुए स्पॉट नहीं हो पा रहा था। लेकिन बार बार पूछने के बाद भी, समझाने के बाद भी, प्यार से बोलने के बाद भी वो लड़का इस बात को मानने के लिए अग्री ही नहीं था कि फ़ोन उसके पास है। जैसे तैसे करके जब दूसरी साइड की फुटेज अरेंज हुई, जूम करके देखी तो वहाँ पे एग्जैक्टली पता चला कि उस लड़के ने ही पर्स से वो फ़ोन निकाला था। तो जब जो शॉप वाले उसको ट्रायल रूम में ले गए, उसकी चेकिंग वैकिंग करी तो उसकी ही बॉडी से वहीं से वो फ़ोन जो है वो मिला। उसके बाद जेठानी जी तो वहाँ से आ गई, उन्होंने तो फिर भी नरम दिल दिखाया, और लेडीज़ के अंदर बहुत कम लेडीज़ के अंदर ही नरम दिल होता है, वरना आजकल मैं देखूँ तो लड़कियाँ ज़्यादा, औरतें ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं जब ऐसी चीज़ें देखते हैं। आप आए दिन वीडियो में देखते भी हो और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता था, वो चाहती तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया व्लॉग भी बना सकती थी। आपने देखा होगा कि ये वड़ा पाव गर्ल वगैरह कैसे वायरल हुए हैं, सड़कों पर तमाशा कर करके तो वायरल हुए हैं, सड़कों पर लड़ाई झगड़ा करके ही तो वायरल हुए हैं। और वहां पे जेठानी जी के पास एक इतना बढ़िया मौका था कि वो इस चीज का बहुत बड़ा बवाल मचा सकती थी, बहुत बढ़िया वीडियो बना सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को वहीं के वहीं सॉर्ट कर दिया।
उन्होंने ना तो उस लड़के पे हाथ उठाया, ना ही उस लड़के के लिए कोई भी कंप्लेन के लिए फर्दर बोला। लेकिन जो शॉप के ऑनर थे यार, उनकी तो शॉप की पूरी कहते हैं ना रेपुटेशन, उस पर बात आ जाती कि इनकी शॉप में बताओ काम करने वालों के नाम पे चोर बैठे हुए हैं। तो जेठानी जी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन शॉप ऑनर ने उस चीज़ को लेकर एक्शन लिया और उनको पुलिस वाले के पास भेजा। तो वहाँ पर जब पुलिस वाले जेठानी जी को मिले तो उन्हें भी कह रहे थे कि एक दो थप्पड़ मारने चाहिए। तो बहुत कम ऐसे लेडीज़ होती है, वरना आजकल लेडीज़ इतना करती नहीं है। ये क्राइम है और इन छोटे छोटे क्राइम को बाद ही इंसान ना बड़े क्राइम करता है। तो हर इंसान को ना छोटे क्राइम पे ही ना एक अच्छा खासा लेसन मिल जाना चाहिए, ताकि आगे के लिए वो ये सब चीज़ें ना करें। ये जो बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा उम्र नहीं होगी आई एम श्योर उस लड़के के, 18-19 साल के बच्चे, इनको ये चोरी चकारी की जो आदत पड़ती है ना, लाजपत नगर हो गया, सरोजनी मार्केट हो गया, अट्टा मार्केट हो गया, मतलब जितने भी ये मार्केट वाले एरिया जो थोड़े रश से भरे हुए रहते हैं, वहाँ पर अधिकतर जो लड़के हैं ना वो इसी ताक में घूमते हैं कि कैसे तो जेब काट लें, कैसे किसी की कोई चीज़ उठा लें, कैसे कोई चीज़ चोरी कर लें, उनका इसी में फोकस होता है। और आधे से ज़्यादा जो वो है वो इसी काम के लिए वहाँ पर खड़े और आए हुए भी रहते हैं। ये बहुत नॉर्मल हो गया है किसी भी मार्केट वाली प्लेस पे। लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये बोलूं कि पोलाइट नहीं होना चाहिए। आप इन्हें माफ कर दोगे ना, तो फिर ये आगे दोबारा किसी के साथ वो चीजें करेंगे, उसके बाद तिबारा किसी के साथ ये चीजें करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि जिंदगी भर के लिए उनका फ्यूचर खराब कर दो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट समटाइम्स होना पड़ता है और इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ता है। क्योंकि एक फोन, आज के डेट में एक फोन के अंदर इंसान का क्या क्या चीज़ें नहीं होती, ये समझिए कि फ़ोन उसकी पूरी लाइफ हो जाती है। उसके अंदर उसके सारे बैंक अकाउंट्स, गूगल पे, पेटीएम, क्या क्या चीज़ नहीं होती। और एक व्लॉगर का तो सोचो कितना कुछ उस फ़ोन के अंदर होता है, उसका अकाउंट वहाँ खुला होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं, पर्सनल बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट, मतलब बहुत कुछ होता है ना। और वहाँ पे एक फ़ोन, बहुत भले ही उस फ़ोन की कीमत कितनी भी हो, लेकिन उस फ़ोन के अंदर जो मटेरियल होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो उस जगह पे उस लड़के ने जो डिनाई किया वो बहुत गलत था, और जेठानी जी ने जो प्यार दिखाया वो उनका दिल था कि उन्होंने उसको उस बात के लिए पनिश नहीं किया। लेकिन यस, ऐसे लड़कों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, और शॉप वाले ने ये बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि उसको पनिशमेंट दिलाया। तो इस पूरे इंसिडेंट की वजह से हो सकता है कि उन्हें कल की डेट में वीडियो डालने में लेट भी हो गया हो, बट ये बहुत अच्छी बात है। वरना एक बार अगर फोन हाथ से निकलता है ना, तो भैया पुलिस भी उस फोन को ढूंढवा नहीं पाती है, पुलिस भी उस फोन को ढूंढवा नहीं पाती है। इनके इंसिडेंट को देख के तो मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ गया। तो मेरे तो घर के बाहर से सिलेंडर गायब हो गया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो इंसान दिख रहा है, सिलेंडर ले जाता हुआ दिख रहा है, छत से कूदता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस इंसान का पता ही नहीं चला कि वो आखिर था कौन, कि वो जो सिलेंडर लेके कंधे पे निकल गया वो आखिर था कौन। तो ये बहुत किस्मत वाले थे कि इनको ऑन द स्पॉट सब चीज़ें वही की वही मिल गई, पता चल गया। वरना ये जो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं ना, ये जब गुम हो जाते हैं ना, तो इनका मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इनको इनका फ़ोन मिल गया। अच्छा, आप इतने पॉजिटिव वीडियो के नीचे भी कुछ लोगों के मैं कॉमेंट्स देख रही थी कि व्लॉग दो दिन से इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर व्लॉग में वापस उनको बताया जा रहा है कि आपको पता है पता है पता है आपकी देवरानी ने आज प्रेगनेंसी वाली बात छेड़ी, लेकिन एंड करते करते उन्होंने कुछ नहीं बोली। और फिर कुछ लोग उन्हें ये भी कह रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, कल भी उनकी वीडियो के नीचे उन्हें लेके नेगेटिव कमेंट्स आए थे, उनको अनाप शनाप बोला जा रहा था। देखिए, मैं हमेशा से यही बोलती हूं कि रात गई बात गई, आप दो दिन पुरानी बात भी मत करो, क्योंकि हर दिन सवेरा होता है, हर दिन एक नया दिन होता है, और हर दिन इंसान नई चीज़ें सीखता है, नई चीज़ें करता है। मेरा इसीलिए हमेशा से ये फंडा रहता है कि जो वीडियो मैंने 10 दिन पहले, 1 साल पहले देख ली, वो देख ली, मैं उस वीडियो को लेके दोबारा प्रेजेंट सिचुएशन को ना कभी कंपेयर करती हूँ, ना मैं कभी उस पर बात करती हूँ। मैं रेगुलर अपडेट्स पे, लेटेस्ट अपडेट्स पे और लेटेस्ट व्लॉग के आधार पे ही वीडियो बनाती हूँ। और मैं कमेंट्स करने वालों से भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ बीते दिनों जो हो गया वो हो गया, अब आप इन लोगों को नए सिरे से जज करना शुरू करो, व्लॉग को नए तरीके से देखना शुरू करो। अगर आप बार बार पिछली बातों को लेके अटके रहोगे, तो ना तो इनकी ज़िंदगी की सुई आगे बढ़ पाएगी, ना ही ये कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म हो पाएगी, और उसके बाद फैंडम्स के बीच में पड़ जाते हैं बिल्कुल पंगे। तो ऐसा मत करो, ना तो इनकी वीडियो में उनके लिए कुछ नेगेटिव कमेंट करो, ना ही उनकी वीडियो में इनके लिए कुछ नेगेटिव कमेंट करो। अब अगर बात करें निक्की की वीडियो पे, तो
निकी ने कल वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन निकी का जो कंटेंट था वो एक दिन पहले का था। जो सिचुएशन हुई थी उसने कल वीडियो नहीं डाली और वो कल लाइव आई थी। लाइव के दौरान आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी शक्ल से देख के समझ में आ रहा होगा कि वो लोग लो फील कर रहे थे। सुमित एक जगह से उठे भी नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था लाइव में, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था व्लॉग में, वो सिर्फ एक कोने में बैठे रहे। जबकि कमेंट्स वालों ने बहुत बार उनसे हाय हेलो करने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके बाद भी सुमित ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो कुछ चीज़ों को लेके अपसेट होंगे और एक ह्यूमन नेचर है कि आपको थोड़े दिन के लिए चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, समय बीतेगा, उनके दिमाग से भी वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो जब निकी ने आज वीडियो बनाया प्रेगनेंसी को लेके, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत लोगों ने बात करी थी, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया था, कमेंट्स उनके पास बहुत आ रहे थे कि जिस चीज़ को लेके जस्टिफाई करो। इनफैक्ट आज भी यही आ रहे हैं कि आपने बात नहीं करी, जबकि वो अपनी वीडियो में ये बात बता चुकी हैं कि अगर ये रबड़ है, इस रबड़ को हम जितना खींचेंगे ये उतना खींचता चला जाएगा। हम कब तक सामने वाले को ये बोलते रहेंगे कि हम सच्चे हैं, अरे हम पे प्रूफ करो, अभी ये कुछ प्रूफ करेंगे, वहाँ से वो कुछ प्रूफ करेंगे, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं पाएगा। किसी ना किसी एंड पे किसी एक को तो गिव अप करना पड़ेगा, किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। जब हम छोटे में लड़ते हैं तो मम्मी भी हमेशा यही समझाती है, अरे तू बड़ा है ना, छोड़ दे, छोटा भाई है, मत कर, छोड़ दे। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाते हैं, चुप रहना सिखाते हैं बचपन से ही कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ चीज़ें इग्नोर कर लेनी चाहिए। तो वही चीज़ अगर उन्होंने करी, उन्होंने साफ़ तौर पे बताया कि अभी रिसेंटली उनके नोन में किसी के साथ ऐसा हुआ है जिनकी सेम हेल्थ कंडीशन उनकी मदर की तरह थी, और उनकी मदर को भी बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, और जो कॉन्ट्रोवर्सी चलती है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक इंसान इम्पैक्ट होता है। वो तो फैमिली के मेंबर हैं, जब हम सारे आपस में इतने इम्पैक्ट हो गए थे, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, तो सोचो जिनके साथ ये चीज़ें गुजर रही हैं उन पर उस वक्त पे क्या गुजर रहा होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि सुमित ने मेरे सामने सिर्फ एक कंडीशन रखी कि अगर इन सब चीज़ों की वजह से मेरी माँ को कुछ भी हो गया तो तुम आधा सुमित खो दोगी। क्योंकि सुमित अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। हर बच्चे का देखो एक फेवरेट होता है, कोई पापा से ज़्यादा अटैच होता है, कोई मदर से ज़्यादा अटैच होता है, हर बच्चे का एक फेवरेट होता है। भले ही बच्चे ये बोले कि माँ बाप मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन एक बच्चे का अपने एक पेरेंट के लिए थोड़ा सा अफेक्शन और थोड़ा सा कम्फर्ट जोन ज़्यादा होता है। तो वहाँ से सुमित का अपने पेरेंट्स के लिए है, अपनी मम्मी के लिए स्पेशली है कि वो उनके लिए इमोशनल भी बहुत है और उनको प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें निकी को उन्होंने बोली होगी तो या जाहिर सी बात है ना, उसको थोड़ी देर के लिए धक्का तो लगेगा कि अगर मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे बताई या सच बताने की कोशिश करी तो वहाँ से ये चीज़ें बढ़ेंगी और फिर बात ये मेरे पेरेंट्स पे आ जाएगी, घूम फिर के ये चीज़ें उन पे आ जाएगी। शायद हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर लें क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो लोग अगर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हेल्थ में ज़रा भी अप डाउन हो गया तो शायद सुमित, और दुनिया में कोई करे ना करे पर शायद सुमित निक्कू को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये चैनल भले ही सुमित निक्कू ऑफिशियल है या निक्कू सुमित ऑफिशियल है, लेकिन बेसिकली ये चैनल चलाने वाली निक्कू है, वो इस चैनल को चलाती है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसे किस तरीके का कॉन्टेंट दिखाना है और क्या वीडियो बनानी है। तो अगर उसने इस चीज़ से बैकआउट कर लिया और आपके हर एलिगेशन को स्वीकार कर लिया कि आप मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन मैं अब इस चीज़ से आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं इस चीज़ पे कोई भी जवाब नहीं दूंगी। आई थिंक कल तक भी वो जवाब देने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स उन्होंने ऐसे करे थे कि मैं जवाब दूंगी। फिर आई डोंट नो कि उनका क्या माइंड चेंज हुआ होगा या क्या सुमित और उनकी कॉन्वर्जेशन हुई होगी, क्योंकि कल उनकी लाइव देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत डीप डाउन कुछ कॉन्वर्जेशन हुई है। दोनों के चेहरों से थोड़ा सा अपसेट लग रहे थे क्योंकि लाइव में जब किसी ने बोला कि आप अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी हैं, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, तो वो हाथ जोड़ के कह रहे थे कि प्लीज़ मेरी तरह मत बनो। तीन चार लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे और तीन चारों को वो यही कह रहे थे कि मेरी तरह मत बनो। तो वहाँ से थोड़ा सा उनका लग रहा था कि इमोशनली कुछ चीज़ें हुई हैं, कि वो जो चीज़ बताना चाह रही थी उस चीज़ों को कुछ सोच के या कुछ समझा के उसको रोक दिया गया है और वो वहाँ पर रुक गई है, जस्ट कि किसी भी तरीके की गंदगी ना हो और ये गंदगी कहीं भी किसी भी मोड़ पर घूम फिर के पेरेंट्स में ना आ जाए। तो उसने उस पॉइंट को वहीं पे शट कर दिया, उस टॉपिक को वहीं पे बंद कर दिया और अपनी वीडियो में आज यही बताया कि मैं अब इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगी, अपने परिवार की खुशी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। जो इमोशंस हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि चलिए
हर किसी की लाइफ में कुछ कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, अगर वो नहीं बोलना चाहते तो हम फोर्स नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक कमेंट भी पिन करा और उस कमेंट के ऊपर भी मैंने बात करी थी। और ऐसा पहले हुआ था जिस समय पे आई थिंक हाँ एक डेढ़ महीने पहले, जिस समय पे उसके चैनल पे बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसका निकी ने पूरा वीडियो और शॉर्ट भी बनाया था और इंस्टाग्राम पे ऐसे पेज बनाए गए थे जो पेज बाद में जैसे ही पकड़े गए थे वो पेज डिलीट भी हो गए थे, जहाँ पे ग्रुप्स बनते थे जिस ग्रुप्स में बोला जाता था ऐसा एग्जैक्टली होता था, क्योंकि उस समय पे निकी ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो पेज डिलीट भी हो गए। और अब भी ऐसा पता चल रहा है कि ऐसा सा पीछे से लोग कर रहे हैं, तो यार आप लोग क्यों इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा बनते हो? जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, मैं वो बोल रही हूँ, चाहे वो जेठानी जी के लिए इन्वॉल्व हो, चाहे वो देवरानी के लिए इन्वॉल्व हो, क्यों इतनी हेट किसी भी इंसान के लिए लेके आते हो? क्या कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए कम पड़ता है कि आप लोग पर्सनल जाके ग्रुप्स क्रिएट करते हो, ग्रुप बनाते हो, ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस देते हो, किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करने के लिए बोलते हो? आप लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलने वाला, सीरियसली बता रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप एक ऑडियंस हो, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखा करो, एंटरटेन होने के लिए व्लॉग देखा करो, ये गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग ग्रुपिज्म इन सब का हिस्सा मत बना करो। ये एक बहुत गलत डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में आप जितना घुसते चले जाओगे ना, ये दलदल होता है, आप इस दलदल में उतना ही घुसते चले जाओगे, क्योंकि बीते दिनों ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स एक्सपोज हुए हैं जो बड़े बड़े व्लॉगर्स ने एक्सपोज करे हैं, जिन ग्रुप्स में पता है कौन मिला है, माइनर बच्चे मिले हैं, 17-18 साल के बच्चे जो इन ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं। और उसके बाद जब उनके खिलाफ कंप्लेन हुई, मेटा से पूरी डिटेल्स आई, तो उन बच्चों के नंबर तक उनके पेरेंट्स के नाम पे रजिस्टर थे, तो बच्चों की गलती की सज़ा जो है वो पेरेंट्स को मिली कि उन पेरेंट्स को बेचारों को ये सब चीज़ें करनी पड़ी। हमने खुद ऐसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज और ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपोज होते हुए अपनी आंखों से विटनेस करी हैं कि किस तरीके से इंस्टाग्राम के ग्रुप्स जो हैं वो इन क्राइम में हुए, और उसके बाद जब एक्सपोज हुए तो उनमें माइनर बच्चे इन्वॉल्व थे जिनके खिलाफ FIR हो गई थी, जिनके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी। तो आप प्लीज़ ऐसे किसी भी चीज़ का, ऐसे किसी भी ग्रुप का इंटेंशनली अनइंटेंशनली हिस्सा बिल्कुल मत बनिए। आपको जो कमेंट करने हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आओ, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे करो वो कमेंट, लेकिन किसी भी ग्रुप का, किसी के लिए भी, चाहे आप किसी के कितने तगड़े फ़ैन क्यों ना हो, किसी के भी बोल रही हूँ, कभी भी ग्रुपिज्म का हिस्सा मत बनना। ये एक बहुत गंदा दलदल है, आप जितना इसमें घुसते चले जाओगे ना, आप उतना घुसते चले जाओगे। तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखो, क्लीन एंड क्लियर तरीके से वीडियो देखो, कुछ समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जाहिर करो, वीडियो देखो पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करो, बिना वीडियो देखे हुए किसी के लिए भी कुछ मत बोलो। पहले ये देखो कि सामने वाले ने क्या वीडियो बनाया है, उसकी वीडियो के बाद उसको उस वीडियो से जज करके जो है नीचे कमेंट्स करो। यही एक तरीका होता है और यही ऑडियंस का काम भी होता है कि आप पहले वीडियो देखो और उसके बाद वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको अप्रिशिएट करो, कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको आप क्रिटिसाइज़ करो। सिर्फ सिंपल यही तरीका होता है। तो आज दोनों का जो वीडियो था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव था। आई होप कि आगे आने वाले दिनों में सिर्फ 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 हम लोगों को पॉजिटिव वीडियोज़ देखने को मिले और हमें भी पॉजिटिव रिएक्शन देने को मिले। हमें दिल से खुशी होगी अगर हमें यह मौका मिलेगा कि हम दोनों के लिए पॉजिटिव रिएक्शंस दे पाएं। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।